हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे वीडियोस पर, तो उनके मैं जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको पता चल जाए। और जो भी दिक्कत होता है तो आप पूछा कीजिए, कमेंट में कमेंट कर दिया कीजिए। अगर ऐसा मुझे लगे तो 4-10 आदमी का उस तरह का कमेंट आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी अगर जितना का मुझे हो सकता है मैं उतना का आपको रिप्लाई दे देता हूं। संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मैं भी कुछ काम करता हूं, तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको दिक्कत ना हो, उनके मैं सारे सवाल का जवाब दूं। तो हमारे सबसे पहले जो सवाल पूछे हैं गणेश कुमार चौधरी जी, ये पूछते हैं जमीन का रसीद इसमें नहीं लगेगा ना, ये कौन सा, ये मैंने जो वीडियो डाला था गेहूं पटवन डीजल अनुदान कैसे करें, तो ये जो पूछ रहे हैं गणेश कुमार चौधरी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप गैर रैयत के लिए कर रहे हैं, यानी जमीन आपका खुद का नहीं है, किसी और का है, आप बटाईदार में हो, तो आपको रसीद नहीं लगेगा। आपको सिर्फ देना पड़ेगा वहां पर एक दस्तावेज, और जो कि मैंने वीडियो में बता दिया था, और आपका जो डीजल का पावती, सिर्फ यही दो चीज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है महेश सिंह, ये पूछ रहे हैं सर मेरा आधार गलत हो गया है, कैसे सुधार करें, प्लीज बताएं। तो महेश सिंह जी, आपका जो आधार गलत हो गया है, तो अभी ऑनलाइन की तरफ से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके माध्यम से आप आधार को सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI पोर्टल पर सर्विस में जाना पड़ेगा, या फिर अगल बगल आस पड़ोस आपके जहां भी आधार जो उनका ऑथराइज्ड है, जो कि UIDAI की तरफ से है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ PNB बैंक में है, ब्लॉक में है, तो आप वहां पर जाइए और अपना आधार का कलेक्शन करा लीजिए। अभी ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जो कि KD चौहान है, ये पूछते हैं सर हमको दुकान में सबका ऑनलाइन करना के लिए ब्लॉक से कोई ID बनाना पड़ता है। तो KD चौहान जी, अगर आप रसीद काट रहे हैं, या फिर आप डीजल अनुदान कर रहे हैं, फसल बीमा कर रहे हैं, या फिर आप आधार डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सब सभी चीजों के लिए आपको कोई भी ब्लॉक से ID वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही आपको CSE पोर्टल की जरूरत है। बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, आप जाकर के वहां से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जो भी मान लीजिए आप किसान का मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसके लिए भी आपको कहीं से कोई ID वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप उनका डीजल अनुदान करते हैं तो आप कस्टमर से कागजात लीजिए और अनुदान करके उनको वापस दे दीजिए, उनको बोलिए जाके आप अपना किसान सलाहकार को दे दीजिए। आप सिर्फ ऑनलाइन के जिम्मेदार हैं। आपके कमेंट में रिप्लाई भी हमने दे दिया है, आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक और कमेंट है जो कि मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर नीतीश कुमार लिखते हैं मेरे नाम से रसीद नहीं है सर, तो मैं क्या करूं गेहूं पटवन डीजल अनुदान के लिए। तो नीतीश कुमार जी, आप एक काम करिए, आप बटाईदार अगर हैं, बटाईदार में खेती करते हैं, तो आप बटाईदार में डाल सकते हैं। और यहां पर एक और कमेंट किया है मेरे पास, ये कृष्णा राजकुमार लिखते हैं मेरे पास 2 डीजल का रसीद है 20-20 लीटर का, तो कैसे अप्लाई करें, 2 नंबर हो जाएगा और खेत है 6 एकड़ में। सर आप खेत है जो 6 एकड़ में उसको ऊपर लीजिए, जैसा मैंने वीडियो में बताया है, और आपका अगर 2 डीजल का रसीद है तो आपको डीजल, जैसे ही आप डीजल अनुदान के पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर आपको जो रसीद नंबर मांगता है, एक रसीद नंबर दीजिए, और जो वहां पर नंबर करके लिखिए, बिल नंबर डाल दीजिए, बिल नंबर सबसे शुरू में बिल नंबर लिखिए, या फिर कुछ भी लिखिए चलेगा, आप वहां पर सिंपली अपना रसीद का नंबर डालिए, कॉमा डालिए, डेट डालिए, फिर उसका डेट डाल दीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड कॉमा डालिए, फिर बिल नंबर अपना जो रसीद का आपका डीजल का पावती का रसीद है वो डालिए, उसका डेट डालिए, कॉमा डाल के, कोई दिक्कत नहीं, आपका आसानी से हो जाएगा। एक भाई ने हमारे कमेंट किया है MD इरशाद आलम, ये पूछते हैं सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो मोबाइल नंबर याद नहीं, मोबाइल नंबर कैसे पता करें। अच्छा जी, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और आपका मोबाइल नंबर आपको नहीं याद, तो आप यहाँ DBT के ऑफिशियल साइट पे चल जाइएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप पंजीकरण में जाइएगा तो आपको मिलेगा पंजीकरण करें, पंजीकरण की स्थिति जाने और पावती प्रिंट, तो आपको करना है पंजीकरण की स्थिति जाने पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपली अब मान लीजिए आपने पंजीकरण कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको मोबाइल नंबर याद नहीं, तो आप कैसे पता करिएगा, तो यहाँ पर सिंपली आप इसके बाद जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 3, 4, 5 ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन में जो आप मोबाइल नंबर डाले वो नहीं याद है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद होगा, या फिर आपका आधार नंबर याद होगा, या फिर आपका
डेट ऑफ बर्थ याद होगा, बैंक अकाउंट नंबर याद होगा, जो भी याद हो तो आप वहां पर फिल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर आधार नंबर डालते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं फिर आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दिखा देते हैं कैसे आप सर्च करें। सबसे आपको नीचे से बताते हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट मान लीजिए आप जो बैंक अकाउंट दिए होंगे उसको बैंक अकाउंट पे क्लिक करिएगा, और बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। तो आप यहां पर बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, जैसे हम डाल रहे हैं यहां पर 60 82 07 2007। इस तरह से डालिएगा आप और यहां पे सिंपली सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं आपका यहां पे सारा चीज खुल चुका है और नाम भी खुल चुका है, जिला वगैरह सारा चीज खुल जाएगा, और आपको यहां पे मिल जाएगा मोबाइल नंबर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था हमसे, और काफी अगर लोग और भी लोग जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका मोबाइल नंबर याद है नहीं याद है, तो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। एमडी इरशाद आलम का यह सवाल था, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। या तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी याद होगा, या आधार नंबर याद होगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ याद होगा, या बैंक अकाउंट नंबर याद होगा। तो इस तरह से आप जब यहां पर क्लिक करिएगा तो आपका यहां पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में आपके कोई सवाल उठता है या फिर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, हम उसका वीडियो बना देंगे आपको अगर हो सके तो, या फिर रिप्लाई भी दे देंगे, टाइम मिला तो वीडियो बना देंगे। हाँ, मेरे मेहमान जो हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिल सके, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।